नमस्कार दोस्तों, जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और जयपाल सक्सेस पॉइंट आपके अति शीघ्र सफल होने की कामना करता है। तो शुरू करते हैं आज राजस्थान में लोक नृत्यों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? ए ऑप्शन में घूमर, बी ऑप्शन में डांडिया, सी ऑप्शन में गैर, डी ऑप्शन में कालबेलिया। तो दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा घूमर नृत्य को कहते हैं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, घूमर। तो अब अगला प्रश्न, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन में मारवाड़, बी ऑप्शन में मेवाड़, सी ऑप्शन में शेखावटी, डी ऑप्शन में ढूंढाड़। तो दोस्तों, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3, जसनाथी सिद्धों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों, ये जसनाथी संप्रदाय कतरिया सर बीकानेर से संबंधित है। ये पूछा गया है, जसनाथी सिद्धों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ए ऑप्शन में बम नृत्य, बी ऑप्शन में घुड़ला नृत्य, सी ऑप्शन में अग्नि नृत्य, डी ऑप्शन में ढोल नृत्य। तो दोस्तों, जसनाथी सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। और जसनाथी सिद्धों द्वारा ये अग्नि नृत्य किया जाता है, और ये फतेह फतेह के उद्घोष के साथ जलते हुए अंगारों पर ये नृत्य करते हैं, इसलिए इसको अग्नि नृत्य कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4, बम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए ऑप्शन में जालौर, बी ऑप्शन में भरतपुर, सी ऑप्शन में जैसलमेर, डी ऑप्शन में गंगानगर। तो दोस्तों, बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है, इसलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। जबकि ढोल नृत्य, दोस्तों, ढोल नृत्य जालौर से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, ढोल नृत्य जालौर से संबंधित है, जबकि बब नृत्य भरतपुर से संबंधित है। दोस्तों, ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप भी इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5, केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, केला देवी करौली में स्थित है और केवला देवी भरतपुर में। तो दोस्तों, इसमें पूछा है, केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? ए ऑप्शन में घूमर, बी ऑप्शन में डांडिया, सी ऑप्शन में बम, डी ऑप्शन में लांगूरिया। तो दोस्तों, केला देवी के मेले में लांगूरिया नृत्य किया जाता है, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। और यहाँ केला देवी के मेले में किया जाने वाला नृत्य है लंगूरिया नृत्य। और ये केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है, जबकि केवला देवी का मंदिर भरतपुर में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6, वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन में भील, बी ऑप्शन में मीणा, सी ऑप्शन में ग्रासिया, डी ऑप्शन में सहरिया। तो दोस्तों, वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। और इसके अलावा ग्रास्य जनजाति द्वारा वालर नृत्य किया जाता है, कूद नृत्य है, ज्वारा नृत्य है, मोरिया है, लूर है, मादल है, गोर है, रायण है, ये नृत्य भी ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये थर्ड ग्रेड आरपीसी 2009, ईओ 2008, आरएएस प्री परीक्षा 1994 और 2000 में भी पूछा गया था ये, और पीटीआई भर्ती परीक्षा 2000 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न बार बार आने वाला है प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको पूर्ण रूप से दिमाग में रखना है। बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है? ए ऑप्शन में वालर नृत्य है, बी ऑप्शन में कूद नृत्य है, सी ऑप्शन में मादल नृत्य है, डी ऑप्शन में गैर नृत्य। तो दोस्तों, बिना वाद्य ये यंत्र के वालर नृत्य किया जाता है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो दोस्तों आपको इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन में गौरी, बी ऑप्शन में नेजा, सी ऑप्शन में गैर, डी ऑप्शन में वालर। तो दोस्तों गौरी नृत्य, नेजा नृत्य, गैर नृत्य ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है, जबकि वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, चक्री नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन में कंजर, बी ऑप्शन में सहरिया, डी ऑप्शन में कालबेलिया, सी ऑप्शन में कालबेलिया, डी ऑप्शन में मेव। तो दोस्तों चक्री नृत्य कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, गुलाबों ने किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन में चक्री, बी ऑप्शन में संक्रिया, सी ऑप्शन में पणियारी, डी ऑप्शन में कालबेलिया। तो दोस्तों गुलाबों ने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संकरिया व पणिहारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी अकेला भी पूछ लिया जाता है कि संकरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन में कंजर, बी ऑप्शन सहरिया, डी ऑप्शन ग्रासिया, डी ऑप्शन में कालबेलिया। तो दोस्तों संकरिया व पणिहारी नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, फलकुबाई किस नृत्य से संबंधित है? ए ऑप्शन में चरी नृत्य, डी ऑप्शन में इंडौनी नृत्य, सी ऑप्शन में चक्री नृत्य, डी ऑप्शन में रतवई नृत्य। तो दोस्तों फलकुबाई चरी नृत्य से संबंधित है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, कलाकारों द्वारा सिर पर 8 और 9 मटके रखकर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? दोस्तों आपने भी कई जगह देखा होगा, कलाकारों द्वारा अपने सिर पर 8 से 9 मटके एक के ऊपर एक रख के नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है इस प्रश्न में। ए ऑप्शन में भवाई, बी ऑप्शन तेरे ताली, सी ऑप्शन में कच्ची घोड़ी, डी ऑप्शन में कथक। तो दोस्तों कलाकारों द्वारा 8 और 9 मटके रखकर किया जाने वाला नृत्य भवाई कहलाता है, तो इसमें हमारा दोस्तों ए ऑप्शन सही है, ये भवाई नृत्य होता है और ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और दोस्तों ये इसके अलावा भी भवाई में वोरा वोरी है, सूरदास है, संक्रिया है, ढोला मारू आदि प्रसंग होते हैं, और ये मेवाड़ से है और ये भवाई जनजाति द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको भवाई नृत्य कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेरे ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है? ए ऑप्शन में रामदेव जी के मेले में, बी ऑप्शन में गोगा जी के मेले में, सी ऑप्शन बाबू जी के मेले में, डी ऑप्शन सभी में। तो दोस्तों तेरे ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है, और यहाँ कामड़ जाति की विहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला धार्मिक ये नृत्य है, और इसमें तेरे मंजीरे होते हैं, इसलिए इसको तेरे ताली नृत्य कहते हैं, और ये बैठे बैठे किया जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। एक तो कामड़ जाति और ये बैठे बैठे किया जाता है, बैठे बैठे किए जाने वाला नृत्य है, और ये विहित महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, विहित महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और ये रामदेव जी के मेले में आयोजित किया जाता है, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, कथक नृत्य की उत्पत्ति किस घराने से मानी जाती है? तो ए ऑप्शन में जयपुर, बी ऑप्शन में जोधपुर, सी ऑप्शन में गंगानगर, डी ऑप्शन में कोटा। तो दोस्तों कथक नृत्य की उत्पत्ति जयपुर घराने से मानी जाती है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। और यहाँ के इसके प्रवर्तक है भानु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है भानु जी,
भानु जी द्वारा ये इस नृत्य का प्रवर्तक हैं। भानु जी कथक नृत्य और कथक नृत्य की उत्पत्ति जयपुर घराने से मानी जाती है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन शेखावटी, बी ऑप्शन में मेवाड़, सी ऑप्शन में मारवाड़, डी ऑप्शन में मेवात। तो दोस्तों कच्ची घोड़ी शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है दोस्तों, जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। डांडिया नृत्य किस द्वारा किया जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको बताना है कि डांडिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। केवल पुरुष द्वारा, केवल महिलाएं द्वारा, दोनों द्वारा, डी में केवल बच्चे द्वारा या केवल बच्चों द्वारा। आपको ये बताना है कि डांडिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, केवल पुरुष के द्वारा या पुरुषों द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा या दोनों द्वारा, केवल बच्चों द्वारा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।